हेलो एवरीवन, इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटोट्रोपिन के बारे में। ऑलरेडी हम दैट इज़ फोटो रिसेप्टर्स के बारे में बहुत सी बातों को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हमने पहला फोटो रिसेप्टर देखा था, दैट इज़ फाइटोक्रोम एंड दैट वॉज अ रेड एंड वायलेट लाइट फोटो रिसेप्टर। लास्ट वीडियो में हमने क्रिप्टोक्रोम के बारे में पढ़ा था एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फोटोट्रोपिन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फोटोट्रोपिन भी आपका दैट इज़ व्हाट प्लांट में पाया जाने वाला ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर होता है, ये भी ब्लू लाइट को ही रिसीव करता है, राइट। चलिए तो इसके एक पर्टिकुलर दैट इज़ इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं कि फोटोट्रोपिन है क्या एंड काम कैसे करता है। तो एक नॉर्मल बेसिस पे अगर कहा जाए तो इट इज़ ऑल्सो फ्लेवोप्रोटीन, यानी एक फ्लेविन जो कि प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन में रहता है, तो उसे हम बोलते हैं फ्लेवोप्रोटीन। तो फोटोट्रोपिन भी जस्ट लाइक अ क्रिप्टोक्रोम, ये भी एक दैट इज फ्लेवोप्रोटीन ही है एंड दिस इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर, ब्लू लाइट को रिसीव करता है। दे आर द लाइट एक्टिवेटिंग काइनेसिस। इस पर्टिकुलर रिसेप्टर का नेचर क्या है, दैट इज दे आर काइनेसिस। इसकी डिस्कवरी मेनली NPH1 नाम की म्यूटेंट में हुई थी, आप कह सकते हो। दैट मीन्स एक ऐसा म्यूटेंट जिसका हमने नाम दिया था NPH1, यानी नॉन फोटोट्रॉपिक हाइपोकोटाइल म्यूटेंट। और इस पर्टिकुलर म्यूटेंट में इट लैक द फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स इन द हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल लगभग हम इस वाले पोर्शन को कहते हैं। माना जाता है कि फोटोट्रोपिन एक ऐसा फोटो रिसेप्टर होता है प्लांट में जो कि ब्लू लाइट को रिसीव करता है और प्लांट को एक बेंडिंग इफेक्ट देता है टूवर्ड्स द अपकमिंग लाइट। और ये जो बेंडिंग इफेक्ट होता है प्लांट का टूवर्ड द अपकमिंग लाइट, इसी को हम बोलते हैं दैट इज योर ट्रॉपिक रेस्पॉन्स। और लाइट की वजह से हो रहा हो तो हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिक रेस्पॉन्स। और इस फोटोट्रॉपिक रेस्पॉन्स के लिए फोटोट्रोपिन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जिस म्यूटेंट की हम बात कर रहे हैं दैट इज NPH1 म्यूटेंट, इस पर्टिकुलर म्यूटेंट में फोटोट्रॉपिक रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसके अंदर का आप कह सकते हो दैट इज एक ऐसा जीन म्यूटेट हो चुका था जो कि फोटोट्रॉपिक रेस्पॉन्स के लिए फोटोट्रॉपिक रेस्पॉन्स को करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल था। तो इसको हमने नाम दिया NPH1। ये NPH1 एक्चुअल में एक जीन था। जब ये म्यूटेट जिस प्लांट में ये NPH1 जीन म्यूटेट पाया गया उसे उस प्लांट को हमने कह दिया NPH1 म्यूटेंट। और इस NPH1 को बाद में जो है रीनेम करके इसको नाम दे दिया गया दैट इज FOT1, दैट इज फोटोट्रोपिन 1 जीन। NPH1 को आज की डेट में जो है दैट इज FOT1 माना जाता है, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी NPH1 नाम के म्यूटेंट में देखी गई थी और ये एक ऐसा म्यूटेंट था जिसमें कि फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा था। सो फोटोट्रॉपिन रिसेप्टर आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी तक जितने हमने रिसेप्टर देखे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दैट इज योर फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम, वो सारे के सारे रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट थे, दैट मीन्स दे वर सॉल्युबल प्रोटीन्स। लेकिन फोटोट्रोपिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है, दैट मीन्स इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड, वेयर दे फंक्शन एज लाइट एक्टिवेटिंग सेरीन थ्रियोनिन काइनेज। और फोटोट्रोपिन के पास एक सेरीन थ्रियोनिन काइनेज जैसा काम करने वाला डोमेन होता है, इसीलिए इसको कहा गया था कि दिस इज अ प्रोटीन विच इज हैविंग अ काइनेज एक्टिविटी। ये काम क्या क्या कर सकता है, इट हेल्प इन द फोटोट्रोपिज्म, यानी लाइट की तरफ बेंडिंग इफेक्ट शो कर सकता है प्लांट का, लाइट इंड्यूस्ड स्टोमेटल ओपनिंग करवा सकता है, क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट करवा सकता है इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द लाइट इंटेंसिटी। अगर लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती है तो क्लोरोप्लास्ट को कैसे बिहेव करना चाहिए फॉर द अपकमिंग लाइट, उसके लिए दैट इज फोटोट्रोपिन रिस्पॉन्स होता है उसके मूवमेंट में। फोटोट्रोपिन जीन की बात करें तो दो फोटोट्रोपिन जीन देखे गए हैं। फाइटोक्रोम में हमने 5 पढ़े थे, क्रिप्टोक्रोम में 3 टाइप पढ़ा था, फोटोट्रोपिन में आते आते ये 2 जीन आपको देखने को मिलते हैं। दोनों जीन अपने आप में इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं, जैसे कि FOT1 जो है ये प्राइमरी फोटोट्रोपिक रिसेप्टर होता है, ठीक है, इन द अरेबिडोप्सिस एंड मीडिएट द फोटोट्रोपिज्म इन रिस्पॉन्स टू द लो एंड हाई फ्लुएंस रेट ऑफ ब्लू लाइट। यानी लो एंड हाई इंटेंसिटी ऑफ ब्लू लाइट जब आती है तो जो प्राइमरी फोटो रिसेप्टर होता है दैट इज द FOT1, ओके। FOT2 के बारे में बात करें तो FOT2 मीडिएट द फोटोट्रोपिज्म इन रिस्पॉन्स टू द हाई लाइट इंटेंसिटी। तो FOT2 लो लाइट इंटेंसिटी में काम नहीं करता है,
फॉट टू हमेशा हाई इंटेंसिटी में काम करता है, जबकि फॉट वन लो एंड हाई दोनों ही इंटेंसिटी में काम कर सकता है। देखा गया है दैट इज सिमिलर ओवरलैप इन द फंक्शन ऑफ द फॉट वन एंड फॉट टू फोटो रिसेप्टर आर ऑब्जर्व फॉर अदर ब्लू लाइट रिस्पॉन्सेज इन अरेबिडोप्सिस इंक्लूडिंग द क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट, स्टोमेटल ओपनिंग, लीफ मूवमेंट एंड लीफ एक्सपेंशन। तो इसके अलावा ये दोनों जो हैं और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट करवा सकते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग करवा सकते हैं, लीफ में मूवमेंट करवा सकते हैं, एज वेल एज लीफ का एक्सपेंशन भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, इसकी डिस्कवरी देख ली, एज वेल एज कितने जीन हैं, और एक रफ बेसिस पे देखा कि ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोटोट्रॉपिन के स्ट्रक्चर एज वेल एज उसके एक्शन के बारे में। सो दिस इज अ ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ फोटोट्रॉपिन वन, बिकॉज इट इज अ प्राइमरी फोटोट्रॉपिन, तो इसलिए हम इसी को ज्यादा जो है स्टडी करते हैं। तो यू कैन सी कि यहाँ पे इसके पास लव डोमेन है, राइट? दो लव डोमेन है, एक को नाम दिया जाता है लव वन एंड एक को नाम दिया जाता है लव टू। इसके अलावा दैट इज इस पर्टिकुलर एरिया में, सी टर्मिनल एरिया में, दैट इज सेरिन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी है, राइट? सी टर्मिनल एरिया में सेरिन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी है। तो फोटोट्रॉपिन के पास दो लाइट सेंसिंग लव डोमेन होते हैं। ये जो लव डोमेन है दे आर लाइट सेंसिंग डोमेन, यानी ये लाइट को सेंस करेंगे, और लाइट को सेंस करेंगे दैट मीन्स कहीं ना कहीं इन्हीं से जो है दैट इज क्रोमोफोर बाइंड रहेगा, क्योंकि बिना क्रोमोफोर के तो वेरी ऑब्वियस फोटो रिसेप्टर जो है लाइट को रिसीव कैसे कर सकता है, ठीक है? एंड एज बिकॉज हम इसको लाइट सेंसिंग डोमेन कह रहे हैं दैट मीन्स यहीं पे कहीं ना कहीं जो है दैट इज क्रोमोफोर एडेड रहेगा। सो ईच बाइंडिंग टू द क्रोमोफोर फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड दैट इज FMN। तो अगर हम बनाना चाहें तो वेरी ऑब्वियस यहाँ पे जो है दैट इज लव डोमेन के पास, ये मान लेते हैं कि ये एक लव डोमेन है, तो इसी के पास जो है दैट इज FMN बाइंड रहेगा, और दो लव डोमेन है तो दूसरे वाले के पास भी अगर हम ऐसे बनाते हैं दैट इज लव, तो ये जो है FMN यहाँ पे बाइंड रहेगा। ओके, इन डार्क वन FMN मॉलिक्यूल इज नॉन कोवलेंटली बाउंड टू द ईच लव डोमेन। जब डार्क कंडीशन रहती है, ओके, डार्क कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो दैट इज लव डोमेन एज वेल एज FMN के बीच में कौन सी बाइंडिंग होती है? नॉन कोवलेंट। और ये कब होती है? डार्क कंडीशन मतलब देर इज नो ब्लू लाइट, राइट? नो ब्लू लाइट। जब ब्लू लाइट प्रेजेंट नहीं है तो बॉन्डिंग जो होती है वो नॉन कोवलेंट होती है और पाथवे इनएक्टिव रहता है, क्योंकि फोटोट्रॉपिन काम कैसे करेगा? फोटोट्रॉपिन तो काम तब करेगा जब ब्लू लाइट प्रेजेंट रहेगी, बिकॉज इट इज अ ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर। तो जब ब्लू लाइट है ही नहीं तब क्या देखने को मिलता है? दैट इज ये पूरा का पूरा पाथवे, ये सिग्नलिंग पाथवे इनएक्टिव रहता है। और साथ ही साथ ये एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है कि लव डोमेन के साथ क्रोमोफोर नॉन कोवलेंट बॉन्ड बना के रखता है। लेकिन जब लाइट कंडीशन होती है, लाइट कंडीशन में हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि ब्लू लाइट प्रेजेंट है, तब क्या देखने को मिलता है कि इस लव डोमेन से जो FMN मॉलिक्यूल बाइंड हो रखा है या क्रोमोफोर बाइंड हो रखा है, ये अपनी बॉन्डिंग को क्या कर लेता है? कोवलेंट कर लेता है। और कोवलेंट करने के बाद पाथवे क्या हो जाता है? एक्टिव, ठीक है? सो अपॉन ब्लू लाइट इल्यूमिनेशन द FMN मॉलिक्यूल बिकम कोवलेंटली बाउंड टू द सिस्टीन रेसिड्यू इन द फोटोट्रॉपिन मॉलिक्यूल फॉर्मिंग अ सिस्टीन फ्लेविन कोवलेंट एडक्ट। अब अगर हम बात करें कि लव डोमेन में जो है FMN किस मॉलिक्यूल के साथ बाइंड किया होगा, किस मॉलिक्यूल के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग बनाई होगी, तो इट विल बी अ सिस्टीन रेसिड्यू, ठीक है? और ये पूरा कॉम्प्लेक्स अब एक्टिव हो जाता है। द लव टू डोमेन इज अ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर काइनेज एक्टिवेशन इन रिस्पॉन्स टू द ब्लू लाइट, एज बिकॉज लव वन इधर प्रेजेंट है एंड लव टू यहां प्रेजेंट है, तो जैसे ही FMN मॉलिक्यूल कोवलेंटली बाइंड करते हैं तो इन दोनों का एक्टिवेशन होता है, मतलब लाइट सेंसिंग एरिया एक्टिवेट हो गया। तो लव टू क्या करता है? लव टू यहां से फिर सेरिन थ्रियोनिन काइनेज वाले एरिया को इंड्यूस करता है। इसके इंड्यूस करने की वजह से क्या होता है? सेरिन थ्रियोनिन काइनेज वाले एरिया पे ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब फॉस्फेट का एडिशन हो जाता है। अब ऑटो फॉस्फोराइलेशन होने के बाद क्या होगा? ये एक्टिव हो गया, राइट? तो लव टू ने क्या किया? लव टू ने जो है दैट इज इंड्यूस किया किसको? सेरिन थ्रियोनिन काइनेज को, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या हुआ? दैट इज ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो गया। और ऑटो फॉस्फोराइलेशन के बाद क्या होगा? अब ये सेरिन थ्रियोनिन काइनेज अपने टारगेट प्रोटीन पे फॉस्फेट को ऐड करेंगे,
टारगेट प्रोटीन पे फॉस्फेट को ऐड करेंगे, उसको एक्टिवेट करवाएंगे, एज वेल एज उसको फिर किस पाथवे में भेज देंगे, दैट इज फोटोट्रॉपिक रेस्पॉन्स के एरिया में भेज देंगे, या फिर उन सारे एरिया में, दैट इज ये टारगेट प्रोटीन काम करेगा जिसको इन्होंने एक्टिवेट किया है. हो सकता है वो टारगेट प्रोटीन डायरेक्ट काम करे, हो सकता है वो टारगेट प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करे. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो है मैक्सिमम टाइम जो भी टारगेट प्रोटीन होते हैं जिनको एक्टिवेट किया जाता है, वो या तो न्यूक्लियस में एंटर करके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं, और वो अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करे तो जिस जीन को वो एक्टिवेट करेंगे वो जीन फिर क्या करेगा, या तो फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स करवाएगा, या तो क्लोरोप्लास्ट में मूवमेंट करवाएगा, या तो स्टोमेटल में मूवमेंट, लाइक स्टोमेटल एरिया में दैट इज ओपनिंग करवाएगा. तो कोई भी ऐसा फंक्शनिंग जो हम देख रहे हैं वो इसी सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू चल रही है. तो डार्क में क्या हो रहा है एंड लाइट में क्या हो रहा है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और जिसमें कि लव टू डोमेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी की वजह से जो है सेरीन थियोनिन काइनेज वाले एरिया का एक्टिवेशन होता है, और उसके बाद जो है सेरीन थियोनिन और दैट इज योर ऑटो फॉस्फोलेशन करके खुद को एक्टिवेट कर लेते हैं, एंड देन दे प्रोसीड फॉर द डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग. ठीक है, तो इस ढंग से हमने देख लिया कि फोटोट्रॉपिन एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है. नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ म्यूटाजेनेसिस के बारे में, कि म्यूटाजेनेसिस एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे किए गए थे. तो देखिए क्या किया गया, हमने ये कहा कि लव टू डोमेन बहुत ज्यादा एसेंशियल है ताकि ये काइनेज को एक्टिवेट कर सके, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो सके फोटोट्रॉपिन फोटो रिसेप्टर का. तो देखा ये गया कि लव वन डोमेन को म्यूटेट कर दिया गया, फॉट वन जीन लिया गया. ठीक है, फॉट वन जीन लिया गया और इसके दैट इज लव वन डोमेन को म्यूटेट कर दिया. तो रिस्पॉन्स क्या देखने को मिला, नॉट अफेक्ट फोटोट्रॉपिक रेस्पॉन्सिवनेस, मतलब प्लांट में अभी भी फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स जो है वो अभी भी देखने को मिल रहा था, फोटोट्रॉपिज्म अभी भी देखने को मिल रहा था. लेकिन जब क्या किया गया, फॉट वन में ही जब लव टू डोमेन को म्यूटेट किया गया तो देखने को ये मिला कि ये फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स रुक गया. ओके, फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स रुक गया. तो इससे क्या पता चलता है कि लव वन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लव टू का फंक्शन होता है. लव टू जो है यहाँ पे मेजर तरीके से काम करता है. सो दीज एंड अदर स्टडीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ लव टू इन कंट्रोलिंग द फोटोट्रॉपिन फंक्शन, क्योंकि ये याद रखना है कि लव टू ही आगे चल के काइनेज को एक्टिवेट करवाता है, और अगर लव टू ही स्टार्टिंग में म्यूटेट हो जाए तो वेरी ऑब्वियस कोई काइनेज को एक्टिवेट नहीं करवा पाएगा, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पूरा का पूरा रिसेप्टर इनएक्टिव ही रहेगा. तो ये थी कहानी दैट इज म्यूटाजेनेसिस एक्सपेरिमेंट की, कि किन किन चीजों का पता लगाया गया. लास्ट आता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है दैट इज फॉर द फोटोट्रॉपिन. सो जैसे कि आप देख सकते हैं एक्चुअल में जैसे नॉर्मल प्लांट्स में क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा लाइट आती है तो प्लांट को आपको पता है कि बहुत ज्यादा भी लाइट नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए, उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ऑप्टिमम रेंज ऑफ लाइट चाहिए. तो प्लांट के पास क्या देखा गया है कि उनके क्लोरोप्लास्ट को अगर बहुत ज्यादा लाइट मिलती है ना तो वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा फिर वो आगे फंक्शन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज द एरिया जहां पे दैट इज फोटोसिंथेसिस होता है जो कि एक मेजर एक्शन है प्लांट के अंदर. तो देखा ये गया है कि एज बिकॉज प्लांट में लाइट को रिसीव करने का काम एक काम जो है फोटोट्रॉपिन्स का भी होता है. तो देखा ये गया है कि जब प्लांट में बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट पड़ती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट पड़ रही है, तब क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है साइड वॉल में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं. दिस इज अ टाइप ऑफ अ एडेप्टेशन आप कह सकते हो, साइड वॉल में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एंटीक्लाइनल वॉल. तो क्लोरोप्लास्ट जो है एंटीक्लाइनल वॉल पे जाकर मूव कर जाते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ रही है उतनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जरूरत क्लोरोप्लास्ट को नहीं है, और अगर वो सरफेस एरिया ऐसे ही बढ़ा के रखेंगे तो उनका डैमेज हो जाएगा. दैट इज वाई ये एंटीक्लाइनल वॉल पे शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि सरफेस एरिया को कम करें, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डैमेज कम हो, और इसे हम कहते हैं अवॉइडेंस रिस्पॉन्स. इस अवॉइडेंस रिस्पॉन्स में मेनली फॉट टू जो है दैट इज फोटोट्रॉपिन टू, ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्स दैट इज एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स. एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स अवॉइडेंस रिस्पॉन्स का पूरा उल्टा है. कैसे,
जब लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आती है तो प्लांट क्या चाहता है, प्लांट को लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी नहीं चाहिए, उसको हाई भी नहीं चाहिए, उसको एडिक्वेट चाहिए। तो एज बिकॉज लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आती है तो फिर क्लोरोप्लास्ट को क्या करना पड़ता है, वो चला आता है दैट इज पेरिक्लाइनल वॉल पे, जो हॉरिजॉन्टल एरिया होता है दैट इज व्हाट द पेरिक्लाइनल वॉल, पेरिक्लाइनल वॉल पे आकर वहां पर वो अपना दैट इज एक्यूमुलेशन शो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है सरफेस एरिया बढ़ गया, मतलब क्लोरोप्लास्ट अब ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे सरफेस पे, ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे तो लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को वो हाई अमाउंट में या एडिक्वेट अमाउंट में रिसीव कर पाएंगे, यानी उतनी लाइट को वो एब्जॉर्व कर पाएंगे जितने की उनको जरूरत है। तो भले ही कम मिल रहा हो लेकिन वो क्या करते हैं सरफेस एरिया पे, दैट इज सरफेस एरिया बढ़ाकर जो है दैट इज अपना कंपनसेशन कर लेते हैं। तो एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स का जो दैट इज रोल देखा गया है, इसमें मेनली फोटोट्रॉपिन 1 एंड फोटोट्रॉपिन 2 दोनों ही अपना रोल प्ले करते हैं। अगर फिर भी समझने में दिक्कत आ रही हो तो मैं आपको यहाँ पे एक एनालॉजी दे देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए अभी विंटर सीजन जो है चल रहा है, तो हमें क्या चाहिए, हमें सनलाइट चाहिए होती है। घर के अंदर तो सनलाइट बहुत ही कम आती है, ना के बराबर आती है। अगर अच्छे से जो है दैट इज आपके घर में बहुत ज्यादा जो है विंडो है, तब जाकर आपके रूम में अच्छी खासी लाइट आएगी। तो घर के अंदर लाइट कम आती है, तो रादर टू से सनलाइट कम आती है, लेकिन ठंड के टाइम में हमें तो सनलाइट चाहिए, ठीक है, तो ताकि जो है हम विंटर से बच सकें। तो हम क्या करते हैं, हम जो है रूफ पर चले जाते हैं और वहां पे हम सन बाथ लेते हैं, यानी धूप में बैठते हैं, धूप सेकते हैं रादर टू से। तो ये जो सिनारियो हुआ वो क्या था कि हमें जितनी जितनी सनलाइट की जरूरत थी उतनी नहीं मिली, तो हम जो है रूफ पर चले गए, ठीक है, और वहां पे जाकर हम सनलाइट ले रहे हैं, क्योंकि हमारी जो जरूरत है वो उतने से पूरी नहीं हो रही जितनी सनलाइट हमें रूम के अंदर मिल रही है। तो दैट इज व्हाट द एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स। सभी लोग जो है दैट इज विंटर के सीजन में आपको देखने को मिला है कि सब लोग जो है रूफ टॉप पे जाकर जो है मेनली धूप सेक रहे हैं। अवॉइडेंस की बात करें तो अगर यही काम आपसे कोई कह दे कि समर में जाओ धूप सेको, तो भाई कोई नहीं जाएगा। दैट इज व्हाट द अवॉइडेंस रिस्पॉन्स, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि गर्मी में हमें और ज्यादा सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम छुपने की कोशिश करते हैं, हम अम्ब्रेला का यूज करते हैं। तो वो सब क्या है, वो सब अवॉइडेंस रिस्पॉन्स है, जस्ट टू अवॉइड दैट हीट कंडीशन। सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट भी ऐसे ही करता है, जब इंटेंसिटी हाई होती है तो छुपने की कोशिश करता है, और जब इंटेंसिटी लो होती है तो एक्यूमुलेट होने की कोशिश करता है, क्योंकि कुछ भी करके उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए ताकि उसका जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो उसे प्रोसीड कर सके। तो इस ढंग से हमने देख लिया कि क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट कैसे होता है, एंड विद दिस वी आर डन विद द फोटोट्रॉपिन्स, ठीक है। तो अगर हम एक रफ बेसिस पर कहें तो सेंसरी फोटोबायोलॉजी में आपके 3 फोटो रिसेप्टर थे, दैट इज योर फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम एंड फोटोट्रॉपिन। हमने तीनों के तीनों डील कर लिए हैं, जितना आपके गेट के लिए दैट जरूरी था उतना हमने डील कर लिया है। नेक्स्ट, आज का लाइक वी आर हैविंग अ गुड टाइम, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विथ वन मोर टॉपिक, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। मेक श्योर ट्रांसपिरेशन इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद द सेंसरी फोटोबायोलॉजी, इट इज द अनदर टॉपिक, ओके, डिफरेंट टॉपिक है ये। छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लेते हैं आराम से जो है तुरंत खत्म हो जाएगा, ओके। सो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो बॉटनी वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे ट्रांसपिरेशन क्या होता है, नॉन बॉटनी वाले और थोड़ा सा अच्छे से आप जान जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। प्लांट नॉर्मली क्या करता है, रूट वाले एरिया से वाटर को एब्जॉर्व करता है, और जब कंडीशन दिन के टाइम में मेनली क्या देखा जाता है कि वो रूट वाले एरिया से एब्जॉर्व तो कर रहा है वाटर को, लेकिन साथ साथ में अपने लीफ एरिया से उसको इवेपोरेट भी कर रहा है वाटर वेपर के फॉर्म में। तो यही जो दैट इज टेक्निक या फिर यही प्रोसेस जिससे कि प्लांट अपने बॉडी से वाटर का रिलीज या वाटर का मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ वाटर वेपर कर रहा है, इसे ही हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। सो ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू द प्लांट एंड इट्स इवेपोरेशन फ्रॉम द एरियल पार्ट सच एज द लीव्स, स्टेम एंड फ्लावर। तो प्लांट में जो है ट्रांसपीरेशन इस वजह से देखा जाता है बिकॉज प्लांट ने क्या किया, पहले रूट वाले एरिया से वाटर को एब्जॉर्व किया, एंड दैट इज लीफ वाले एरिया से या फिर एरियल पार्ट से वो रिलीज करना शुरू कर देता है, बाहर निकालना शुरू कर देता है वाटर को इन द फॉर्म ऑफ अ वाटर वेपर, दैट इज व्हाट कॉल्ड द ट्रांसपीरेशन। अब ये जो ट्रांसपीरेशन होता है ये मेनली कहाँ से मेनली होता है, ठीक है, कहाँ से ज्यादा देखा जाता है, तो प्लांट्स में स्टोमेटा है जो कि लीफ एरिया में प्रेजेंट रहता है, जो मेनली गैसेस एक्सचेंज के लिए, वाटर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी प्लांट में छोटे छोटे से पोर्स सॉरी छोटे छोटे से क्यूटिकल्स वाला एरिया ऐसा होता है जो कि प्लांट में, मतलब आप कह सकते हो एक लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। लेकिन क्यूटिकल्स एक्चुअल में इसलिए रहता है ताकि वो प्लांट में जो भी वाटर का लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट कर सके। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट, इसके प्रेजेंट रहने के बावजूद ये देखा जाता है कि कुछ परसेंट में अभी भी ट्रांसपिरेशन हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट आता है लेंटी सेल्स ऑफ प्लांट। लेंटी सेल्स क्या होते हैं? लेंटी सेल्स प्लांट में पाए जाने वाले, दैट इज आपको वो स्टेम एरिया में मिल सकते हैं, रूट एरिया में मिल सकते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड द लेंटी सेल्स। तो जरा सा हम देख लेते हैं कि इनमें कहाँ कहाँ से कितना परसेंट में होता है। जैसे कि क्यूटिकल, ठीक है, क्यूटिकल आप देख सकते हैं एक वैक्स लाइक लेयर होती है, दैट इज लीफ पे प्रेजेंट होती है। ये पूरा का पूरा एक लेयर फॉर्म में प्रेजेंट है जो कि एक स्लिपरी अपीयरेंस देती है अगर आप प्लांट में देखते हैं तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्यूटिकल। सो क्यूटिकल से जो लॉस होता है टोटल वाटर का, वो 5 to 10% होता है ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन। अगर ट्रांसपिरेशन को अगर हम 100% मानते हैं तो उस 100% में से 5 to 10% ट्रांसपिरेशन क्यूटिकल से होता है, जिसे हम क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। याद रखिएगा कि क्यूटिकल का एडेप्टेशन या प्लांट में इसका प्रेजेंस इसलिए होता है ताकि ट्रांसपिरेशन को रोका जा सके। अगेन आई एम सेइंग दैट ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन इस क्यूटिकल के प्रेजेंट रहने के बावजूद देखा गया है कि ये 100% एफिशिएंसी नहीं दिखाता है कि पूरे प्लांट में जितना भी ट्रांसपिरेशन है सबको रोक ले, जिसकी वजह से इसके प्रेजेंट रहने के बावजूद भी 5 to 10% लॉस देखा जाता है वाटर का, और इसे हम बोलते हैं क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट आता है लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन जो कि लेंटी सेल्स से होते हैं, और ये लगभग 1 to 5% होते हैं। लाइक अगर हम कंपेयर करें 100 का, तो 100 में से 1 to 5% ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है दैट इज लेंटी सेल्स से होते हैं। लेंटी सेल्स आप देख सकते हैं, दैट इज आप कह सकते हैं कि रूट्स में या स्टेम वाले एरिया में जो छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड द लेंटी सेल्स। थर्ड आता है जो कि मेजर एरिया है ट्रांसपिरेशन का, दैट इज अ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, स्टोमेटा इज द ओपनिंग इन केस ऑफ अ प्लांट जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ अ वाटर वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा इज द 90% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ट्रांसपिरेशन जो है दैट इज आपको स्टोमेटा के थ्रू देखने को मिलता है। तो अगर हम नॉर्मल बेसिस पे कहें तो इस ढंग से जो है स्टोमेटा में सबसे हाईएस्ट रहता है, उसके अलावा दैट इज क्यूटिकल्स में रहता है, एंड देन जो है दैट इज लेंटी सेल्स में रहता है। ये हो गया ट्रांसपिरेशन। अब यहां पे आते हैं दिमाग में बहुत से क्वेश्चन कि क्या कुछ ऐसी चीज है जो कि इस ट्रांसपिरेशन को रोक सकती है। बिल्कुल है, जिसे हम बोलते हैं एंटी ट्रांसपेरेंस। एंटी ट्रांसपेरेंस क्या हो गए? ऐसे मॉलिक्यूल जिसको कि अगर आप प्लांट पे अप्लाई करते हो तो ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज करवा सकते हैं, जितना हो सके उतना मिनिमाइज कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं एंटी ट्रांसपेरेंस, जो कि ट्रांसपिरेशन के अगेंस्ट काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो गया फिनाइल मर्क्यूरी एसिटेट, एब्सेसिक एसिड, एस्पिरिन। ये कुछ एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही हैं। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंस। इसके अलावा फिल्म फॉर्मिंग एंटी ट्रांसपेरेंस भी होते हैं जो कि आप कह सकते हो एक फिल्म लाइक अपीयरेंस प्लांट पे फॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से लीफ एरिया में हो सकता है जहां से भी वाटर का लॉस हो रहा है वहां पे ये एक फिल्म फॉर्म कर सकते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे विल नॉट अलाउ द वाटर टू पास। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हो गया सिलिकन ऑयल एज वेल एज वैक्सेस। इसको हम दैट इज फिल्म फॉर्मिंग एंटी ट्रांसपेरेंस की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब एक हम लेयर लगा सकते हैं प्लांट पे जिसकी वजह से वाटर का लॉस प्रिवेंट हो जाता है। अब आता है व्हाट इज द नीड ऑफ दिस। क्या सिर्फ ये क्या एक हार्मफुल प्रोसेस है या फिर इसका एक्चुअल में कुछ फंक्शन है? तो बिल्कुल फंक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे कि प्लांट में ये सबसे पहले कूलिंग इफेक्ट लेकर आता है। अगर जैसे कि हमारे टाइम में क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा दैट इज समर का कंडीशन है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, तो जब हम स्वेटिंग करते हैं तभी जाकर हमारी बॉडी भी कूल होती है। दैट इज हाउ प्लांट में भी कूलिंग इफेक्ट लेकर आता है, दैट इज ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट, इट हेल्प इन द ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है? वॉटर का दैट इज रूट एरिया से, ठीक है, रूट एरिया से एरियल पार्ट में जाना, दैट इज वॉट कॉल द ट्रांसपिरेशन। इस ट्रांसपिरेशन को करवाने के लिए या ट्रांसपिरेशन पुल को हेल्ड करवाने के लिए ट्रांसपिरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम दैट इज वाटर एज वेल एज फूड ट्रांसपोर्ट के बारे में जब टॉपिक डील करेंगे। तो नेक्स्ट होता है दैट इज प्लांट का स्ट्रक्चर।
क्या करता है ये, टर्जिडिटी मेंटेन करता है प्लांट के अंदर, ट्रांसपिरेशन हेल्प टू मेंटेन दी टर्जिडिटी इन द प्लांट। तो अलग अलग टर्जिड कंडीशन जो होते हैं, मतलब प्लांट को आप कह सकते हो नॉर्मली एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है उसको, स्टैंड लाइक एक जो इरेक्ट पोजीशन में जो स्टैंडिंग उसका कंडीशन होता है वो भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से जो है प्लांट में एक टर्जिडिटी जो है वो प्रोवाइड करता है, दैट इज दी ट्रांसपिरेशन। अब अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स की, कि क्या क्या फैक्टर्स ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहला आता है लाइट। यहाँ पे मैं इसको समरी बेसिस पर लिख देती हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो जाए। लाइट की बात करते हैं तो लाइट का रोल कैसे होता है, लाइट कंडीशन जनरली रिजल्ट इन दी हायर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर लाइट बहुत ज्यादा हाई है तो ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन भी हाई हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, लाइट हाई होने की वजह से क्या हो गया, मतलब कि देर इज अ हाईएस्ट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर मतलब कि समहाउ दे आर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि अगर लाइट बहुत ज्यादा है तो वेरी ऑब्वियस वो टेम्परेचर पे भी अपना इफेक्ट डालेगी, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा जल्दी होगा, क्योंकि लाइट जो है स्टोमेटा को भी ओपन करके रखेगी लगातार, और स्टोमेटा अगर ओपन रहेगा तो वेरी ऑब्वियस वाटर का लॉस वहां से लगातार होता रहेगा। तो हायर द लाइट हायर विल बी द ट्रांसपिरेशन रेट। सेकेंड आता है ड्राई कंडीशन। अगर बाहर का कंडीशन बहुत ज्यादा ड्राई है एज कंपेयर टू द प्लांट, तो ड्राई कंडीशन में क्या होता है, ड्राई कंडीशन वुड रिजल्ट इन द हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये भी क्या करेगा, ये भी ट्रांसपिरेशन को बढ़ा देगा, क्योंकि बाहर वाले एरिया में इन्वायरमेंट में पानी कम है एंड प्लांट की बॉडी के अंदर पानी ज्यादा है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल कंसेप्ट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, वो अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करते हैं, और प्लांट की बॉडी में हायर कंसेंट्रेशन है वाटर का एंड इन्वायरमेंट में कम है, तो वाटर जो है प्लांट बॉडी को लीव करके इन्वायरमेंट में जाएगा। तो इन्वायरमेंट जितना ज्यादा ड्राई होगा उतने ही ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। नेक्स्ट आता है दैट इज दी ब्रीजी कंडीशन। ब्रीजी कंडीशन में क्या होता है, ब्रीजी कंडीशन एक्चुअल में ट्रांसपिरेशन को बढ़ा देती है, यानी एक ऐसा कंडीशन जिसमें कि एयर जो है कांस्टेंट नहीं है, वो हमेशा फ्लो करती रह रही है। तो अगर वो फ्लो करेगी तो एक एरिया में जितना मॉइस्चर है उसको फ्लो करके लेके चली जाएगी, और उस एरिया को वापस से जो है वाटर डेफिशिएंट एरिया बना देगी, और वाटर की अगर कमी होगी इन्वायरमेंट में तो वही वाला काम शुरू हो जाएगा जैसे कि ड्राई कंडीशन में था, कि वाटर अपने हाई कंसेंट्रेशन से यानी प्लांट की बॉडी से इन्वायरमेंट में रिलीज होना शुरू कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोर्थ कंडीशन, दैट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर तो आपको समझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टेम्परेचर अगर हाई है तो वेरी ऑब्वियस ट्रांसपिरेशन भी हाई होगा, क्योंकि उतने ही ज्यादा प्लांट जो है वाटर को इवेपोरेट करेगा। तो इस ढंग से हमने कुछ फैक्टर्स को डील कर लिया, आई थिंक वी आर डन। ओके, वी आर डन विद द ट्रांसपिरेशन। फिर एक छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट चला आता है, दैट इज द गटेशन। ठीक है, अक्सर बच्चे गटेशन एंड ट्रांसपिरेशन में कंफ्यूज जाते हैं। गटेशन क्या होता है, गटेशन होता है आप देख सकते हैं, दैट इज लीफ एरिया में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। ठीक है, उस पोर्स को हम कहते हैं दैट इज योर हाइडाथॉट्स। ये हाइडाथॉट्स क्या करते हैं, दैट इज ये छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट रहते हैं लीफ वाले, दैट इज आप देख सकते हो एरियल पार्ट में। तो देखने को ये मिलता है एज बिकॉज रात के टाइम में प्लांट जब वाटर को एब्जॉर्व कर रहा होता है तब उस टाइम पे दैट इज ना लाइट है, ना ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, ना ही ऐसा कोई कंडीशन है कि ट्रांसपिरेशन हाई हो सके। तो रात के टाइम में यानी नाइट कंडीशन में ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा लो होता है, यानी प्लांट जितना वाटर ले रहा है उसको वो अपनी बॉडी में ही रख रहा है, और शायद प्लांट को उतने वाटर की जरूरत नहीं है। तो क्या होने लगता है, तब वही वाटर जो है सुबह के टाइम में, जैसे आप सुबह सुबह देखोगे तो प्लांट के जो ये कॉर्नर वाला एरिया होता है, दैट इज लीफ के कॉर्नर वाला एरिया, यहाँ पे आपको ये एग्जुडेट्स के फॉर्म में, स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। और ये इसलिए होते हैं बिकॉज एक्सेस वाटर प्लांट गेन कर चुका है और उसे वो रिलीज नहीं कर पा रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रांसपिरेशन, क्योंकि ट्रांसपिरेशन का कंडीशन अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है रात के टाइम पे, एंड सुबह सुबह के टाइम पे भी ट्रांसपिरेशन ऑटोमेटिकली हाई नहीं होता है, ट्रांसपिरेशन का एक कंडीशन बनता है उसके बाद ट्रांसपिरेशन शुरू होता है। इसलिए सुबह के टाइम में अगर आप प्लांट्स पे देखोगे तो इस टाइप के आपको छोटे छोटे से वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे।
सो एक्सुडेशन अगर थ्रू दी स्पेशलाइज पोर जिसे हम बोलते हैं हाइडाथॉर्स, हाइडाथॉर्स के थ्रू ही गटेशन देखने को मिलता है, और गटेशन का मतलब हो गया दैट इज इट हैज बीन रिजल्टेड ड्यू टू दी पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक रूट प्रेशर. ये जो एक्सेस वाटर या बहुत ज्यादा वाटर जो एक्यूमुलेट हो गया है प्लांट के अंदर दैट इज ड्यूरिंग द नाइट कंडीशन, दैट इज वॉट नोन एज अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक रूट प्रेशर. सो गटेशन इज मोस्ट नोटिसबल when transpiration is low, water absorption is high and the relative humidity is high such as during the night. और as a result of that आपको गटेशन का condition यहाँ पे देखने को मिल सकता है. तो ये हो गई गटेशन की बात. अगर हम इसके differences की बात करें तो बहुत ही important basis पे differences आपको यहाँ देखने को मिल सकता है, जैसे कि transpiration and गटेशन में difference क्या है. तो देखिए, ट्रांसपिरेशन मेनली दिन के टाइम में होता है, गटेशन रात की वजह से होता है. रात के टाइम में जितना भी वाटर एक्यूमुलेट हुआ है उसी को हम दिन के टाइम में देखते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में. द लॉस ऑफ वाटर अकर इन द फॉर्म ऑफ अ वेपर. ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस होता है, लेकिन गटेशन के केस में आपने देखा लिक्विड के फॉर्म में ही लॉस हो रहा है वाटर. इट अकर थ्रू द स्टोमेटल स्टोमेटा लेंटिसेल्स एंड क्यूटिकल्स. ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा लेंटिसेल्स एंड क्यूटिकल्स के थ्रू हो सकते हैं, जबकि गटेशन मेनली हाइडाथॉर्स की वजह से होते हैं. ट्रांसपिरेशन इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द स्टोमेटल एक्टिविटी. स्टोमेटल एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है, जबकि गटेशन जो है ये रूट प्रेशर को कंट्रोल करता है एंड क्लाइमेटिक कंडीशन को कंट्रोल करता है. इट द इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन इज कूलिंग द लीव सर्फेस. ट्रांसपिरेशन का एक इफेक्ट मैंने बताया था दैट इज कूलिंग मैकेनिज्म, और गटेशन में ऐसा कुछ नहीं होता. ये तो आप कह सकते हो कि बाय हुक उसको होना ही है, क्योंकि इतना ज्यादा वाटर का एक्यूमुलेशन हो गया है कि जो भी पोर्स दिखेंगे वो वहां से वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन जो होता है मेनली ये वाटर प्योर वाटर होता है, क्योंकि जितना भी अगर मिक्सचर भी है वाटर का प्लांट के अंदर तो उस मिक्सचर में सॉल्यूट एज इट इज रह जाते हैं, वाटर इवेपोरेट हो रहा होता है, तो हम कहते हैं कि प्योर वाटर का इवेपोरेशन हो रहा होता है. लेकिन गटेशन के केस में इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट मिनरल्स, क्योंकि इसमें दैट इज डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, आप कह सकते हो लीक लाइक प्रोसेस हो रहा है या रिलीज हो रहा है. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन. इसके साथ हमने आज जो है टोटल दो टॉपिक कर लिया. सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जितने भी हम लोग लेक्चर्स आप लोग को दे रहे हैं आई होप आप लोग को समझ में आ रहे हैं. सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग. नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चरशिप या पीएचडी का अरमान, हमारे पास है आपके हर एक मुश्किल का समाधान. हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान. वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर सीएसआईआर 2024 एग्जामिनेशन. मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, वन टू वन डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ नोट्स और भी बहुत कुछ. वेद में, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना. एनरोल नाउ एंड विजिट वेद में वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर. Use करिए कोड WED20 for getting the 20% discount. WED Me, educating. WED Me, educating India.